आज आप देख रहे हैं हमारा हेल्दी टेस्टी एंड कन्वीनियंट रेसिपीज का स्पेशल एपिसोड। अब मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताता हूँ जो बहुत ही बढ़िया, सिंपल और सबको पसंद आती है, पिज्जा। अब पिज्जा को हेल्दी कैसे बना सकते हैं? देखिए, पिज्जा का जो बेस है वो बनाने के लिए आप कुछ तैयारी कर लें। जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने बेस बनाकर रखा हुआ है, लेकिन ये तो बना हुआ है ना, तो इसको हम कैसे बनाएंगे और वो भी एकदम हेल्दी। तो यहाँ पर मेरे पास है ये आटा, गेहूं का आटा, मैदा नहीं है, और इसके अंदर मिलाएंगे सोया फ्लावर, वीट ब्रैन। जी हाँ, गेहूं का जो छिलका रहता है ये इसमें डाल देता हूँ मैं। ये यीस्ट, चीनी और उसके साथ साथ नमक, और अब इसमें थोड़ा पानी। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा तेल भी, इसमें ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ मैं। अब ये जो है, मुझे लगता है कि ये हो चुका है। ये देखिए, ये जो डो है इसे लेकर आप एक बर्तन के अंदर, एक किसी बड़े बोल के अंदर रख दें, और ऐसा वो बोल हो जो जिसमें से बाहर ना आ सके, यानी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, और इसको गीला कपड़ा ऊपर से डालकर फिर इसे रख दें, और आप देखेंगे इसका जो वॉल्यूम है ये करीब डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जब ये डबल हो जाए उसके बाद एक बार इसे ज़रा मुक्का मारें, और फिर ये देखिए, ये जो मेरे पास है ये देखिए खमीर कैसे आया हुआ है। थोड़ा सूखा आटा या मैदा, इसे हमने थोड़ा और सूखा आटा, ये तैयार, और इसे हम डाल देते हैं पैन के अंदर। और अब क्या करना है, इसे कुछ देर ऐसे ही रहने देते हैं और बाकी तैयारी करते हैं। भाई, जो पिज्जा है इसका बेस तो हो गया, लेकिन इसे पकाने के लिए क्या करना है? देखिए, पकाने के लिए पैन के अंदर डाल दिया, अब इसकी टॉपिंग के लिए इसकी जो सॉस है वो टमाटर से बनी हुई, तो प्याज और लहसुन ऑलिव ऑयल में थोड़ा गर्म करके उसे पका लें, फिर उसके अंदर कटे हुए टमाटर, ब्लांच टमाटर डालकर, तो पानी डालकर उसे अच्छी तरह से पकाएं जब तक वो सूख ना जाए। फिर उसके अंदर नमक, काली मिर्च और ऑरेगानो, चाहे तो बेजिल भी डाल सकते हैं, और ये तैयार हो गई इसकी सॉस। और अब क्या करना है, कुछ सब्जियां थोड़ी सी, ये ज़्यादा नहीं, ये मेरे पास है लाल पेपर, तो ये थोड़ा सा ले लेते हैं, और क्या डाला जाए, ऑलिव डाल सकते हैं आप, हेलपिनो पेपर्स डाल सकते हैं, के साथ साथ हेलपिनोस, पिकल्ड हेलपिनोस, और कुछ ऑलिव्स, थोड़े से ग्रीन स्टफ्ड ऑलिव्स, और कुछ ब्लैक ऑलिव्स। अच्छा, ये हरे ऑलिव, ब्लैक ऑलिव, ऑलिव के बारे में आप कितना जानते हैं? चलिए आपको स्पेन लेकर चलता हूं। स्पेन की दो चीजें सबसे अच्छी लगती हैं, एक तो है यहाँ की मौज मस्ती और दूसरा है यहाँ का खाना। जी हाँ, यहाँ के हर खाने में ऑलिव का स्वाद बसा है, अब ये ऑलिव हरे हों या लाल। ये लाल ऑलिव देखने में जितने खूबसूरत होते हैं, खाने में भी उतना ही स्वाद होता है उनका। इस स्वाद से भरे एक ऑलिव में करीब 5 कैलोरीज होती हैं। ये ऑलिव दिल के लिए तो काफी अच्छे माने ही गए हैं, इसके साथ पेट का कैंसर रोकने के लिए भी काफी फायदेमंद है ये ऑलिव। तो देखा आपने कि जो ऑलिव हैं वो कितने कमाल की चीज है, और बहुत हार्डी प्लांट होता है वो, जो उसका ट्री है उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा होती है। खैर, ये सारी सब्जियां तैयार हो गई, ये सॉस तैयार है, और ये जो पिज्जा है ये भी तैयार। मैंने एक पैन ले लिया है और उसे गर्म करने के लिए रख दिया है, और उसका क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अब ये जो मेरे पास है ये लीजिए, इस पे डालते हैं ये सॉस, और फिर इस सॉस को फैला देते हैं। एक काम करते हैं, थोड़े प्याज डाल देते हैं, चाहें तो थोड़े से मशरूम भी इसमें डाल लें, और फिर इसमें हम डालते हैं चीज़। अच्छा, ये अगर आपको जो चीज़ आसानी से मिले ना वो वाला डालें। अब ये जो पेपर्स हैं मेरे पास ये डाल देता हूँ, थोड़े से इसके ऊपर ऑलिव्स,
ग्रीन ऑलिव्स, अच्छा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और ब्लैक ऑलिव्स, ये लीजिए, हैलापेनो पेपर्स, ये थोड़ा फैला देते हैं, फ्रेश बेजल की पत्तियां थोड़ा सा तोड़ के, ये लीजिए, इसे हम रख देते हैं पकने के लिए, ढक्कन लगाया और ये तवे के ऊपर, और इसे पकने देंगे इसी तरह से इस तवे पे, ताकि इस पे जो हीट है वो एकदम डायरेक्ट ना लगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट लग जाएगी तो नीचे से जो पिज्जा है वो तो पूरा बेस एकदम जल जाएगा और ऊपर से बीच में से उतना पकेगा नहीं, इसलिए इसे मीडियम हीट पर ढक्कन लगाकर इसी तरह से पकने दें, बेस भी पक जाएगा, बीच में से भी पक जाएगा और उसके साथ साथ बाकी पूरा पिज्जा ही पक जाएगा। हाँ, ये जो पिज्जा है इसे आप एकदम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करें कि एकदम ऐसा होगा कि एक तरफ से पकड़ लिया और वो दूसरी तरफ से गिरेगा नहीं, ये जो पिज्जा है ये बढ़िया बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, और हाँ, सर्व करने से पहले थोड़ा सा ऊपर से ऑलिव ऑयल डालकर फिर खाएं, फिर मजा लें इस हेल्दी पिज्जा का, जिसमें सोया फ्लावर है, उसके साथ साथ व्हीट ब्रैन है और इसमें मैदा बिल्कुल नहीं है। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। पैन पिज्जा के पिज्जा बेस के लिए 1.5 कप आटा, 3 बड़े चम्मच सोया फ्लावर, 3 बड़े चम्मच व्हीट ब्रैन फ्लावर, 1 छोटा चम्मच ताजा खमीर, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच नमक और 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। सॉस के लिए 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 प्याज कटी हुई, 8 लहसुन की कलियां कटी हुई, 1.5 कप टोमेटो कनके से, 1/2 कप टोमेटो प्यूरे, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, 8 बेसिल की पत्तियां, 4 पत्तियां फ्रेश ऑरेगानो की, 1/4 छोटा चम्मच ड्राइड ऑरेगानो। टॉपिंग के लिए 2 प्याज स्लाइस किए हुए, 6 मशरूम स्लाइस किए हुए, 1 कप मोजरेला चीज ग्रेट किया हुआ, 1 लाल शिमला मिर्च पतली और लंबी कटी हुई, 1 पीली शिमला मिर्च पतली और लंबी कटी हुई, 2 हैलापेनो पेपर्स कटे हुए, 4 हरे ऑलिव, 4 काले ऑलिव, 6 बेजल की पत्तियां और 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटा, सोया फ्लावर, व्हीट ब्रैन, पानी में घुला हुआ यीस्ट, चीनी, नमक और थोड़ा पानी और 2 बड़े चम्मच तेल डालकर इसका आटा गूंदें और इसे एक बोल में निकालें, इसके ऊपर गीला कपड़ा रखकर इसे फर्मेंट होने के लिए रख दें। जब ये वॉल्यूम में डबल हो जाए, फर्मेंट हो जाए, तब इसके ऊपर बचा हुआ तेल लगाकर इसे गूंदें। अब तैयार आटे को 2 भागों में बांट कर इन्हें बेल लें और इसे एक पैन में डालें और इसे रख दें। पिज्जा सॉस बनाने के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल गर्म करके इसमें प्याज, लहसुन, टोमेटो कनके से डालकर 3-4 मिनट तक भून लें। इसमें टोमेटो प्यूरे, नमक, काली मिर्च, बेजल और ऑरेगानो डालकर करीब 5 मिनट तक उठाएं। फिर इसमें ड्राइड ऑरेगानो डालकर मिक्स करें। इस तैयार सॉस की आधी मात्रा एक पिज्जा बेस के ऊपर डालकर फैला लें। इसके ऊपर आधी कटी हुई प्याज, मशरूम, चीज, लाल पीली शिमला मिर्च, हरी और काले ऑलिव्स, हैलापेनो पेपर्स और बेजल की पत्तियां डालें। इस पैन को किसी गर्म तवे पर रखें और इसे ढक्कन लगाकर चीज पिघलने तक पकाएं और काट कर गर्मा गर्म परोसें।